10 Summer Weight Loss Hacks. Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is Dietitian Manju Malik. तो गर्मियों में भी आपके वेट लॉस की जर्नी आगे बढ़े, वजन जो है वो घटे, उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हैक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर है ईट बार्ले, यानी जौ ज्यादा खाएं गर्मियों में। जौ बहुत तरह से आती है मार्केट में आजकल, आप जौ के ग्रेन्स खा सकते हैं, उसका दलिया बनाकर आप वाटर ले सकते हैं, बार्ले वाटर, यहाँ तक कि बार्ले की ग्रास का पाउडर भी मार्केट में आता है जो बहुत हेल्दी होता है। इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, आपके इंटेस्टाइन के लिए बार्ली बहुत हेल्दी है, इंसुलिन को मैनेज करने में हेल्प करता है, फाइबर में हाई है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, गॉल स्टोन जिन्हें है उनके लिए काफ़ी हेल्दी है ये, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर रिड्यूस करते हैं और आपकी बोन की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो जौ को इंक्लूड करें, जौ के साथ साथ आप ओट्स एंड राइस खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गेहूं का कंजप्शन जो है वो ना करें, उसे कट डाउन कर दें। साथ ही आप दालें और लिग्यूम्स यानी छोले चने ऐड कर सकते हैं ग्रेन्स की क्वांटिटी को कम करके, बिकॉज उनके अंदर फाइबर होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन एंड जिंक। तो आप ग्रेन्स को भी थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं ओवरऑल, और दालें और लिग्यूम्स अपने डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें। नेक्स्ट जो है ईट होल फ्रूट्स देन जूसिंग देम, यानी पूरे फ्रूट्स खाने की कोशिश करें, उनका जूस बनाकर ना पिएं। समर फ्रूट्स जो होते हैं उनमें वाटर कॉन्टेंट हाई होता है, फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हम जूस करते हैं तो फाइबर तो कम होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। बाजार से लिया हुआ जूस बिल्कुल ना पिएं, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लोडेड विद शुगर और बहुत सारे अनडिजायरेबल एडिटिव्स होते हैं उसके अंदर। ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं, एक ऑरेंज के अंदर जहां 3 ग्राम होता है फाइबर, वहीं एक ग्लास जूस के अंदर सिर्फ 0.5 ग्राम होता है। विटामिन सी देखिए 83 mg एक ऑरेंज के अंदर, जूस करने के बाद वो 40 से भी आधे से भी कम रह जाता है। साथ ही शुगर का अमाउंट भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, तो फ्रूट का कंजप्शन भी आप लिमिट में ही रखें, 2 से 3 फ्रूट्स इन अ डे आर इनफ। साथ ही आप मेलन्स एंड बनाना खाइए, बेस्ट फ्रूट्स होते हैं टू बी कंज्यूम्ड इन समर। गेटिंग सन एक्सपोज्ड, रिसर्च में साबित हो चुका है जो सन से ब्लू लाइट मिलती है उससे आपके जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ता है, आपके फैट सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और साथ ही इस आपके फैट के जो एक्यूमुलेशन है, प्रोडक्शन है, वो कम हो जाता है। सो सनलाइट हेल्प्स यू बर्न फैट। साथ ही कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है, बीमारियों से आप बचे रहते हैं। लेकिन हम ये आमतौर पर साइड देखते हैं, जब भी हम घर से निकलते हैं हम सन टैन नहीं होना चाहते, या तो हम बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं या फिर इस तरह अपने आप को कवर करते हैं, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां आपको, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, कैंसर, मसल वीकनेस। तो इसका सोल्यूशन क्या है, एक्सपोज योर सेल्फ टू सनलाइट। सुबह के 10 से 4 बजे के बीच में 10 से 15 मिनट आप हफ्ते में 2 या 3 बार अपने आप को एक्सपोज करें सन से, बिना सनस्क्रीन लगाए, बिना किसी ग्लास के पीछे जाए। और साथ ही इस वक्त 50 से 70% अपनी बॉडी को आप एक्सपोज करें। एड कूलिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस टू योर डाइट। नाउ कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जिनकी तासीर बहुत ठंडी होती है, जैसे कि सौंफ, पुदीना, धनिया, हरी इलायची और लेमन ग्रास। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, बॉडी को बूस्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म, एलर्जीज जो होती हैं सीजनल उन्हें रिड्यूस करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके लिवर के लिए काफ़ी हेल्दी है, एसिडिटी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और बहुत सारे और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। रिड्यूस पोर्शन साइज और यूज ब्लू कलर प्लेट्स, स्मॉलर प्लेट्स। नाउ समर्स के अंदर हमारा ऑटोमेटिकली एपेटाइट कम हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हंगर को भी, लेकिन समर्स के दौरान वो टेम्परेचर पे ज़्यादा ध्यान देता है, भूख पर कम, जिसकी वजह से हमारी भूख कम होती है, साथ ही डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है वो भी थोड़ा स्लो होता है, तो हमारा भूख जो होती है कम होती है। ऐसे में पोर्शन साइज कम करना ऑटोमेटिकली हमें हो जाता है या फिर करना चाहिए हमें। इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप छोटी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जो सर्दियों में जिस प्लेट में आप खाते थे उससे थोड़ी छोटी ले, या फिर आप ब्लू कलर की, नीले रंग की प्लेट आप इस्तेमाल करें खाने के लिए। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग से रिसर्च हुई थी और उसमें ये पाया गया था कि जो ब्लू प्लेट्स में लोग खाना खाते हैं वो कम खाते हैं। सो अगर आपका पोर्शन कुछ भी करके कंट्रोल नहीं हो रहा है तो यू कैन ट्राई दिस हैक,
That is, you can use a small blue color plate to reduce your portion size. Next, जो है पांचवें नंबर पर है ड्रिंक वाटर फ्रॉम क्ले पॉट, यानी जो मटका घड़ा होता है मिट्टी का, उससे पानी पीजिए ज्यादा। फ्रिज से पानी पीने की बजाय अपने घर में मटका रखें, उसमें भी काफी ठंडा पानी होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपके मेटाबॉलिज्म इससे जो होता है इम्प्रूव होता है, आपका गला खराब नहीं होता, आपको एलर्जीज नहीं होती हैं। इट्स अ नेचुरल वे ऑफ कूलिंग वाटर, एल्कलाइन करता है ये आपकी बॉडी को, साथ ही इको फ्रेंडली भी है। प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। साथ ही डिटॉक्स यानी इन्फ्यूज्ड वाटर आप ले सकते हैं, जो वाटर के टेस्ट को एनहांस करता है, इसके कंजप्शन को इंक्रीज करता है, साथ ही आपकी बॉडी पर और आपकी स्किन पर बहुत अमेजिंग इसके बेनिफिट्स होते हैं। डिटॉक्स वाटर की रेसिपीज हमने शेयर की हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इज फास्टिंग। नाउ फास्टिंग जो है वो बहुत अच्छा होता है, और खासकर समर्स में अगर आप फास्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फास्टिंग अलग अलग तरह की होती है, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। फास्टिंग कर सकते हैं आप हफ्ते में एक बार, आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग कर सकते हैं, लिक्विड फास्टिंग कर सकते हैं। इससे आपकी टोटल कैलोरी रिड्यूस होती ही होती है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए, क्रेविंग्स को कम करने के लिए। इसके अलावा मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, स्लीप के लिए अच्छा है, आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हैक, ये एक रिसर्च हुई थी जहां पाया गया था कि फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा हैक है टू लूज वेट, अगर सही तरीके से इसे किया जाए। और खासकर इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो काफी फेमस हो रहा है इस चीज के लिए। ईट मोर वेजिटेबल्स, सब्जियां बहुत हेल्दी होती हैं, लेकिन समर्स में आप जितना इन्हें खाएं, दे आर पावर हाउस ऑफ एसेंशियल विटामिंस एंड मिनरल्स, साथ ही फाइबर में हाई होती हैं, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है इनके अंदर। आपकी हर मील के अंदर ट्राई करें 50% जो है वो सीजनल और रीजनल वेजिटेबल्स हों, यानी जितनी सस्ती मार्केट में वेजिटेबल्स मिल रही हैं वो रीजनल है, सीजनल है, उन्हें लाइए, पकाइए और खाइए। डोंट गो आफ्टर वेजिटेबल्स जो सीजन में नहीं है, जैसे एवोकाडो इज नॉट हमारे लिए रीजनल और सीजनल नहीं है। जितनी भी गॉड वेजिटेबल्स होती हैं समर्स में वो आती हैं, जैसे कि तोरई है, टिंडा है, लौकी है, पॉइंटेड गार्ड है, राउंड गार्ड है, या फिर एश गार्ड है, ये परवल हैं, कुंदरू हैं, ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत आराम से मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं समर्स में, और इनके अंदर वाटर कॉन्टेंट बहुत हाई होता है। जितनी भी गॉड वेजिटेबल्स होती हैं, हरे रंग की वेजिटेबल्स वैसे भी वेट लॉस को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट इज स्पेंड मोर टाइम आउटडोर एंड इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल। समर्स बेस्ट टाइम होता है बाहर जाने के लिए, साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि जो लोग बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन द नेचर, वो हेल्दी ज़्यादा रहते हैं, उनका वेट लॉस फास्ट होता है देन किसी अंडरग्राउंड जिम में जाकर बेसमेंट में, उससे ज़्यादा होता है एक्सेलरेट। साथ ही ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बाहर जाने से आपकी हेल्थ बढ़ती है, आपका वेट लॉस होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, बूस्ट होता है आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी स्लीप एनहांस होती है, क्वालिटी आप हैप्पी रहते हैं। इसके अलावा जो थोड़े एजड लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, आपकी बॉडी जल्दी वार्म अप हो जाती है, आपकी बॉडी की एबिलिटी अपने आपको ठंडा रखने की बढ़ती है, साथ ही आप ज़्यादा पानी पीते हैं जब बाहर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आपकी इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए आपकी टॉलरेंस बढ़ती है टफ वर्कआउट्स के लिए, यानी आपकी फिजिकल जो एबिलिटीज हैं वो बढ़ती हैं। नंबर वन पर है अवॉइड वेकेशंस या फिर हॉलीडेज सेबोटाज। नाउ इंडिया के अंदर ये टाइम जो होता है वेकेशन का टाइम होता है, हॉलीडेज का टाइम होता है, और किस तरह हमारा वेट लॉस इससे इफेक्ट होता है, वी ईट एंड ड्रिंक एवरीथिंग दैट इज इनसाइट, हम बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं, हाइड्रेट नहीं रख पाते अपने आप को ज़्यादा, साथ ही जो लोग काम भी करते हैं हॉलीडेज पे वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं पाते, दोनों तरफ से वो लॉस में रहते हैं। ओवर इंडल्जेंस होती है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि बहुत टेस्टी होता है और हम सोचते हैं वेकेशंस पे हमें इंजॉय करना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू इंजॉय। इवन जो लोग बाहर नहीं जा रहे अपने पेरेंट्स के घर पर जाते हैं लड़कियाँ, या फिर अपने घर जाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी ओवर इंडल्जेंस करते हैं। सो प्लान योर वेकेशंस अराउंड एक्टिविटी, ऐसा कुछ करें कि आप अपने आप को एंगेज रखें एक्टिविटीज़ में,
बाइंज ईटिंग से बचे, स्मार्ट ईटिंग करें, पोर्शन तब भी कंट्रोल करें, थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, कोई शॉर्ट वर्कआउट्स आप प्लान कर सकते हैं, प्लान फॉर अ वेट गेन बिकॉज आप अपने आप को ताकि प्रिपेयर कर सकें। कुछ बोनस में आपको मैं टिप्स देना चाहूंगी और ये काफी इंटरेस्टिंग हैक्स हैं, लेकिन काफी रिसर्च हो चुकी है इन पे। कोल्ड शावर लेना, मेंटेन करना अपनी स्लीपिंग स्केड्यूल को, यानी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैं इसे कहूंगी, नॉट ईटिंग 2 to 3 hours बिफोर बेड टाइम, 20 से 30 मिनट आप दोपहर में सोएंगे तो आपका वेट लॉस का प्रोसेस इंक्रीज होगा। ड्यूरिंग समर्स ऐसा फूड खाएं जो लोकली अवेलेबल हो, अपने स्ट्रेस को भी आप मैनेज करें। तो आई होप आपको ये सारे हैक्स जो है वो यूजफुल लगेंगे, आप इन्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे और अपने वेट लॉस की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें उसका अपडेट आपके पास फटाफट पहुँच जाए। बाय बाय।